गुरु राहुल बाबा ने भारत के कोने कोने में नाराड़ी पंथ से चलाया। यह सब जिलों में रीवा, पटना, बांदा, मैहर, कटनी, पन्ना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, कोटा, दिल्ली, हबड़ा, फैजाबाद, घोड़ा बत्ती, क्या नेपाल, हर एक जगह इस पंथ के लोग रहते हैं और माता पार्वती जी का 3 दिन तक पूजा पाठ होता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु जैसी श्रद्धा भक्ति रहती है, जैसा उनका सत्कर्म रहता है, यहाँ आने पर तत्काल फल प्राप्त होता है। सद्गुरु राव बाबा की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि जहाँ पे जौनपुर में एक से एक अपडेट को लेके हमेशा जौनपुर चर्चाओं का विषय बना रहता है, आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि श्री राउर बाबा मंदिर मई बरपुर जौनपुर, श्री राउर बाबा मंदिर बरपुर जौनपुर में हम इस समय उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यह एक ऐसा मंदिर जहां पे लोग भारत के कोने कोने से दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर आपको बता दें कि बटाऊ बीर से चलकर नौपिड़वा वाले रोड पे ये मई में पड़ता है, जहाँ पे हजारों करोड़ों लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। तो हम लोगों ऐसे जा रहे थे, रास्ते से दिमाग में विचार आया कि इस मंदिर के बारे में कुछ अपनी ऑडियंस को बताएं, और इस मंदिर की बहुत बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, अगर किसी का वंशज अगर कहा जाए, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, तो शायद यहाँ पर आने के बाद, मनौती मानने के बाद, ये सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट हो जाती है, मनौती पूरा हो जाती है। यही सारी खास जानकारी लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं मंदिर परिसर में, और यहाँ पे चलेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पे इस मंदिर के जो संरक्षक हैं, जो साधु बाबा हैं, जो यहाँ पे वो देख रेख करते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए लोकार्पण योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। और आपको बता दें, यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से भी इस मंदिर को जोड़ दिया गया है। आइए हम चलते हैं और बातचीत करेंगे जो यहाँ के गुरु जी हैं। ये मंदिर परिसर है, पूरा मंदिर का आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये मंदिर है, और इधर से भी देखिए ये महंत बैठक है, और ये पूरा मंदिर परिसर है। और यहाँ पे हम खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ के जो गुरु जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे इस मंदिर परिसर के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, तो आइए हम बातचीत करने का प्रयास करिए। दोस्तों, मैं आपको जैसे लाइव तस्वीरें दिखा रहा था राउर बाबा मंदिर की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर के हम अध्यक्ष कहें, पुजारी कहें, मतलब सर्वे सर्वा जिसको कहा जाता है, मंदिर के बारे में A to Z जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा जी। सबसे पहले पीजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। आप मंदिर की कुछ विशेषताएं हमें आप बताइए कि मंदिर की कैसे शुरुआत हुई। अभी आप बता रहे थे उस इतिहास को, तो बहुत अच्छा लग रहा था, वही इतिहास को हमारे ऑडियंस से आप बताइए। आपको बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं। ठीक। ग्राम मई पोस्ट भरपुर थाना बक्सा के अंतर्गत यह ग्राम मई राउर बाबा धाम पे यह मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ श्री सदगुरु राउर बाबा, उनकी धर्मपत्नी भूनगा जी, उनके 2 बच्चे हरिश्चंद, कृपाल दास, चारों मूर्ति गोमती नदी के तट पर 12 वर्ष बगैर अन्न जल की तपस्या की है। शरीर सब दीमक चाट ले गए, बेल बबूर जम गया। आज शिव और माता पार्वती जी प्रकट हुए, काम अर्धर्म काम मोक्ष दे रहे हैं। सदगुरु राउर बाबा ने कहा, हमको अर्धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। बोले कि आपने किस लिए इतना तप किया है? कहा, हम पंथ माता पार्वती के नाम से सारे संसार में चलाएंगे। इस पंथ को माता पार्वती के नाम से, और यह पंथ जो है इसको नारायणी पंथ लोग कहेंगे। तो यह पंथ जो है सदगुरु राउर बाबा ने भारत के कोने कोने में नारायणी पंथ से चलाया। यह सब जिलों में रीवा, पटना, बांदा, मैहर, कटनी, पन्ना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, कोटा, दिल्ली, हबड़ा, फैजाबाद, घोड़ा बत्ती, क्या नेपाल, हर एक जगह इस पंथ के लोग रहते हैं और माता पार्वती जी का 3 दिन तक पूजा पाठ होता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु जैसी श्रद्धा भक्ति रहती है, जैसा उनका सत्कर्म रहता है, यहाँ आने पर तत्काल फल प्राप्त होता है। सदगुरु राउर बाबा की जय। क्या बात दादाजी। जैसा कि यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे माना जाता है कि
कि यहाँ पे लोग आने के बाद मतलब उनकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो जाती है। हाँ। और ये एक विशेषता यहाँ की आप हमें बताइए, ये जो कुंड जो यहाँ का तालाब है, तालाब की वो पानी की कुछ विशेष, पहले पानी भरा रहता था अभी पानी नहीं है, ये उसका क्या रीजन है? उसको हमारे सदगुरु ने यह बताया था, हमारे पूर्वजों ने यह बताया था और हम वो बुजुर्ग थे, यह बताया था कि यह मंदिर जो है आज का नहीं है, इस मंदिर की 2 मीटर मोटी दीवार है, यह मंदिर द्वापर के तीसरे चरण का बताते थे और इसमें जो है एकदम उसी समय का मसाला इसमें लगा हुआ है, इसमें जो है उसी समय का मसाला लगा हुआ है। और यहाँ के तालाब की विशेषता यह है कि तालाब के पश्चिम तरफ गांव बरपुर पड़ता है, वहाँ पर बनिया सेठ साहूकारा महाजन और वहाँ पर ठाकुरों की बत्ती है, लड़की की शादी थी उसमें नायिका बेश्या आई हुई थी, उसने समझ क्रिया के लिए जब बाहर गई सुबह के टाइम तो जब समझ क्रिया कर भई तो उसने तालाब से जल लेना चाहा, तालाब लबालब भरा हुआ था, लेकिन जब तालाब से जल लेने के लिए चली और पीढ़ी दर बदर सीढ़ी नीचे उतरती गई, तालाब का जल उसने नहीं पाया, जब नहीं पाया और तालाब सूखा पड़ गया तब पूर्वजों ने जा करके इस कुएं का निर्माण किया, वहाँ पे एक कुएं का निर्माण किया गया। बाबा जी और एक सवाल है आपसे, कहा जाता है कि छोटे बच्चों को एक मतलब अगिया पनिया जैसे होता है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, इसकी कुछ कहानी? हाँ, यहाँ पर जो है यहाँ माता जी के तालाब का जल जो कुएं का जल है और तालाब की मिट्टी है, इसी से माता जी की चौरी प्रतिमा बनती है और बन करके पूजा पाठ होता है और यहाँ पे जो भी रोगी दोषी आते हैं वही जल पीते हैं और जल पे उनका कल्याण हो जाता है, यही जल की विशेषता है। क्या बात है। और हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो वो पानी है ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे गंगा दशहरा लगता है, जब वो मेला लगता है तो वो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, तो क्या पानी ऊपर आने के बाद तालाब भर जाता है या केवल कुएं तक ही पानी आता है? ऐसी बात है कि यह तब होता था द्वापर के युग में, अब आजकल ये कलयुग का युग आ गया, इस समय तो उतना कोई प्रतिष्ठित सेवक यहाँ रह नहीं गया, पर गुरु राव बाव की कृपा से यह होती है, इसमें गंगा जमुना छिप्रा सरस्वती गोदावरी के नदी के जल को ला करके सदगुरु राव बाबा ने इस जल इस तालाब का निर्माण किया है और इसमें जो है गंगा दशहरा को ही राजा भगीरथ जी ने भूतल पर गंगा जी को लाया, इसी के कारण सदगुरु राव बाबा की तपस्या जो है वह गंगा दशहरा को ही पूर्ण हुई, इसी के कारण यहाँ पर गंगा दशहरा का मेला लगता है और उसी तालाब का जल जो है सेवक लोग ले जा कर के पीते हैं, अपने बच्चों के ऊपर छिड़कते हैं, जैसा सत्कर्म करता रहता है उसी प्रकार उनके रोग दोष कट जाते हैं। क्या बात है। आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त हम मौजूद हैं राउर बाबा मंदिर मई, और आपको बता दें यहाँ पे हमारी खास बातचीत चल रही थी इस मंदिर के पुजारी अर्थात बाबा, जिसका नाम बाबा जरा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम श्री प्यारे लाल गोसाई, प्यारे लाल गोसाई, और हमारे छोटे भाई जो हैं मनोज गिरी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो हैं हमारे छोटे भाई भानु प्रताप हैं और कोषा अध्यक्ष जो हैं राज साहब ये हमारे भतीजे हैं, ऐसे ऐसे इसमें जो सदस्य हैं वो हमारे कोई भाई लगते हैं कोई चाचा लगते हैं, इस परिवार से हमारे परिवार के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। तब जवानी मंदिरवा पे फंडवा उंडवा आवत हुई, जैसे सब बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं पैसवा ईसुआ चढ़ाते हैं, उस पैसे को आप लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैसे कैसे दान दक्षिणा करते हैं या उसके अपने सुख सुविधाओं के लिए उसको यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं? यहाँ का जो पैसा है अब तो यह पैसा अब अधिक हो गया, नहीं तो हम लोगों के समय में कतौ 100-200 रुपये चढ़ते थे जब एक नया पैसा 2 नया पैसा था, या रुपये पैसे अब ज़्यादा हो गए हैं, अब जो 2-3-4 साल पे आते हैं जब नेटर की सुविधा होती है और मंदिर की रंगाई पुताई पहले चूने से होती थी अब पेंट से होती है और फिर इसके बाद जेठ भगवान कृष्ण की जन्म अष्टमी से बरही को यहाँ पर बहुत भव्य भंडारा होता है उसी पैसे से, कम नहीं 40-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं और फिर इसके बाद दीपावली का साथ समाज इसी मंदिर का होता है और साल भर में केवल एक ही मेला लगता है, उस मेले की आय से यहाँ 3-4 भंडारा होते हैं और यहाँ पर जो मंदिर की सब सुख सुविधा बनाई जाती है, मंदिर के सौंदर्यता के लिए टाई लगवाई जाती है, ऐसे ऐसे कार्य यहाँ पर होते हैं। ऐसा माना
जाता है कि यहाँ पे लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों से बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पे रुकने के लिए कोई हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छा रूम नहीं है, तो क्या भविष्य में आप लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा भवन का निर्माण कराया जाएगा जहाँ पे VVIP लोग रुक पाएंगे? हाँ, ऐसी बात है कि भैया यहाँ को तो पहले पदयात्रा द्वारा लोग आते थे पैदल, जो है रामपुर से मेला 6 दिन में आकर के मैयापुर, या मैयापुर है, सेवक लोग इसका नाम मैयापुर रखे हैं और इसका खुद नाम है ग्राम मई राउर बाबा धाम। तो वो लोग पैदल आते थे, लौटते लपेटते हुए आकर के यहाँ दर्शन करते थे और जिस मनोकामना से आते थे वैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। और हम भी तीन रोज हम लोगों को भी भोजन नहीं मिलता, उन्हीं की सेवा में, सेवकों की सेवा में, कहीं झंडा फहराना उनका सिलवाना पड़ता है, कहीं मूड़न के लिए उनके नाव बुलाना पड़ता है। हम लोग तीन रोज ही इसी कूड़ा कबाड़ा में सूतते हैं और राउर बाबा की जो है पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर चाहे जिस प्रकार रहे, समझ लीजिए जितने ही यहाँ पर अपने को मान्यता खो करके लोग रहते हैं उतनी सिद्धियां यहां से प्राप्त होती है। क्या बात है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारी बातचीत हमारी चल रही थी, मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो पुजारी हैं, उन्हीं से बातचीत चल रही थी। और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए, जौनपुर की एक वायरल खबरों को समझने के लिए, जौनपुर की एक नई अपडेट को समझने के लिए लगातार आप PG न्यूज़ से बने रहें। मैं प्रवीण नाविक, तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नई खबर में और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।